ये देखिए फ्रेंड, यहाँ हम पहले धागा डबल कर लेंगे यहाँ पे, और इस पे 42 फंदे डालेंगे इस तरह से, और इस वाली सिलाई पे हम डिजाइनर फंदे डालेंगे। देखिए एक फंदा हमारे पास ये हो गया, दूसरा हम इस साइड से बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से 42 फंदे डालेंगे हम। अब ये देखिए फ्रेंड, 42 फंदे डाल लिए। अब दोनों साइड से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टी साइड से तो उल्टा बनाएंगे, पर सीधी साइड से भी हम इसको उल्टा उल्टा बना देंगे और तीन धारियां अपनी कंप्लीट कर देंगे। और तीन धारियां बनाने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको, दूसरा कलर लगाएंगे हम तीन धारियां बनाने के बाद। इस तरह से उल्टा उल्टा बना लीजिए इसको, 6 सिलाइयाँ। फिर उल्टी साइड से हम दूसरा कलर लगाएंगे, 1, 2, 3 तीन धारियां बनाने के बाद फ्रेंड उल्टी साइड से हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब देखिए, और 21 फंदे बनाएंगे इस वाले कलर से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अब यहाँ पे हम 12 फंदे बढ़ाएंगे, तो इस तरह से पलटेंगे इसको, और देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब फिर से हम इसी तरह से पलट देंगे इसको, और आगे वाले फंदे उल्टे बना देंगे, और फिर सीधी सिलाई पे बताती हूँ मैं आगे। अब देखिए फ्रेंड, इन 21 फंदों को पहले हम उल्टा बना देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये देखिए लास्ट वाला भी, इसको भी उल्टा बना दिया। अब देखिए यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, और ये जो फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे। पहले 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन बीच के दो फंदों पे हम जाली बनाएंगे। ये 12 फंदे हैं, 1 और 1, 2, फिर जाली बनाई, 5 फंदे फिर सीधे बनाए, 4 और 1, 5। अब यहाँ पे इस तरह से जाली बनाएंगे, और 21 फंदे उल्टे बनाएंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। सीधी सिलाई पे एक बार फिर बता देती हूँ मैं आपको किस तरह से बनाएंगे हम इसको। अब देखिए फ्रेंड, 21 फंदे फिर से बना लिए मैंने, और ये जाली वाला हम इस साइड सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम जाली बनाएंगे, और ये सीधा फंदा बनाएंगे जो पहले हमारी जाली थी। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
तीन, चार, पांच। पहले पांच फंदे बनाए थे, अब हम छह फंदे बनाएंगे और इन दो फंदे पे फिर जाली बनाएंगे। एक, दो, फिर जाली और फिर छह फंदे आगे बना देंगे। से ये हमारे छह फंदे हो गए। जाली वाला इसको सीधा बनाएंगे, फिर इस तरह से जाली बनाएंगे और ये 21 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई पे हम दूसरा कलर लगाएंगे, येलो कलर, ये वाला। एक बार ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको लगा के। पूरी सिलाई पहले उल्टी बना लेंगे येलो कलर से। अब देखिए फ्रेंड, 21 फंदे फिर मैंने उल्टे बना लिए। हमेशा हमने 21 ही फंदे बनाने हैं। जो हमारे जाली बना के यहाँ फंदे बढ़ेंगे वो हमारे सीधी सिलाई सीधे बनेंगे। यहाँ पे यहाँ से भी एक फंदा बढ़ेगा, एक यहाँ से बढ़ेगा, दो फंदे बढ़ेंगे। अब देखिए ये सीधा बना दिया हमने जाली वाला इस तरह से। इसके बाद एक जाली और बनाएंगे, यहाँ पे हम चार जालियाँ बनाएंगे इन दो ही कलर पे हमने, और आगे वाले दो कलर फिर हम बिना जाली के बनाएंगे। 21 फंदे हम उल्टे ही बनाएंगे और आगे वाले फिर वैसे ही सीधे बनाएंगे, पर जाली नहीं बनाएंगे हम, सिर्फ यही चार चार जाली इधर चार इधर बनाएंगे। ये देखिए ये जाली वाला सीधा बना लिया। अब इन दो फंदों पे हमने जाली बनानी है हमेशा इस तरह से। फिर जाली बनाई, आगे वाले फंदे फिर सीधे बनाए। इस तरह से, और ये जो जाली वाला फंदा है इसको फिर सीधा बना दिया। इसके बाद एक जाली बनाएंगे अगले वाली सिलाई पे हम, और बाकी ये कोई जाली नहीं बनाएंगे हम। तो बस इस तरह से बनाते जाइए। ये देखिए चार ही जालियां बनाई है मैंने इस साइड, और फिर आगे हम ऐसे ही बनाएंगे 21 उल्टे और बाकी सीधे, दो तीन चार। और इस तरह से तीन कलर है, दो बार ए, दो बार यहाँ पे ए, बीच में हमने ये बेस कर लो। और फिर हम अंगूठे और बिना अंगूठे के जो भी आप बनाना चाहते हो वो बनाएंगे आगे। तो यहाँ तक बना लीजिए आप, येलो तक, एक येलो यहाँ हम पहुँचे हैं। फिर हमने ये दो फिर से बनाने हैं, एक ही फिर से इतना बना लीजिए, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको बना के। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक बना लिया मैंने, दो दो बार कलर लगा लिए, एक बार ग्रीन या एक या दो बार येलो और बीच में एक बार ए। अब हम नीचे वाली साइड इसकी एक ही कलर से बनाएंगे। तो सभी फंदों को आठ धारियां उल्टी उल्टी 16 सिलाइयां लगाएंगे दोनों साइड से उल्टी उल्टी, जिससे एक साइड हमारी आठ धारियां दिखे। इन सभी फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे। 82 फंदे हैं हमारे टोटल है। ये वाली सिलाई भी उल्टी और सीधी साइड से भी हम उल्टी ही बनाएंगे, जिस तरह से हमें ऊपर वाला बॉर्डर बनाते हैं वैसे ही। आठ धारियां बनाने के बाद हम इसको बंद करेंगे फिर और इसको सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, आठ धारियां बना ली मैंने इसकी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब उल्टी साइड से हम इन फंदों को एक कोने से लेके दूसरे कोने तक बंद कर देंगे। तो देखिए किस तरह से बंद करेंगे। एक फंदा बनाया पीछे वाला, इसके ऊपर से उतार दिया। एक फंदा बनाया पीछे वाला, इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से हम लास्ट तक बंद कर देंगे सभी फंदों को। इसके बाद फिर मैं आपको सिलना बताती हूँ किस तरह से इस बूट को सिलेंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे उल्टी इस तरह से बाहर की साइड, और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। देखिए इस तरह से,
नीचे तक इसी तरह से सिल लेंगे हमें। अब यहाँ से हम सिंगल करके सिलेंगे इसको इस तरह से। और ये वाला धागा थोड़ा खींच लेंगे इस तरह से। और यहाँ से धागा काट देंगे अब। और फिर मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ ये। देखिए फ्रेंड इस तरह से बन के आई है, बहुत ही सुंदर बूट बन के आता है ये। तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।